नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। सीएम हैं तो क्या गिरफ्तार नहीं होंगे केजरीवाल? ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा उनके आचरण से ही लग रहा वो शराब घोटाले के दोषी। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल के आचरण से ही लग रहा वो मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होनी चाहिए। हलफनामे पर प्रतिक्रिया देते हुए आप ने आरोप लगाया कि ईडी झूठ बोलने की मशीन बन गई है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब ईडी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। इस हलफनामे में ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने जांच अधिकारी को अपने आचरण से दिखाया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। ईडी ने कोर्ट से कहा कि ये बात प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि आप नेता नौ समन के बावजूद पांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं होकर पूछताछ से बच रहे थे। ईडी ने कहा आरोपी ने अपने आचरण से गिरफ्तारी की आवश्यकता को बढ़ावा दिया। केजरीवाल की याचिका खारिज करने योग्य गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को योग्यताहीन और खारिज किए जाने योग्य बताते हुए ईडी ने कहा कि जिस कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है उसके कारणों को विभिन्न अदालतों ने अध्ययन किया है। हलफनामे पर प्रतिक्रिया देते हुए आपने आरोप लगाया कि ईडी झूठ बोलने की मशीन बन गई है। शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में ईडी ने कहा कि सबूतों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। ऐसी गिरफ्तारी को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। ईडी ने कहा यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो अपराधी राजनेताओं को गिरफ्तारी से छूट मिल जाएगी। एजेंसी ने कहा केजरीवाल नौ बार तलब किए जाने के बावजूद पांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं हुए, वे पूछताछ से बच रहे थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।